प्रदेश में वैक्सीनेशन की चाबी से खुला पाबंदी का ताला। आज से प्रदेश भर में अनलॉक 3 की गाइडलाइंस लागू हो चुकी हैं। प्रदेश में धार्मिक स्थल आज से फिर अनलॉक हुए हैं। दर्शनार्थियों के लिए आज से प्रदेश के धार्मिक स्थल खुल गए हैं। सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दे दी गई है। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना आवश्यक रहेगी। हवन सामग्री, फूलमाला, प्रसाद, चादर और घंटी बजाने पर रोक है। पूरे समय के लिए सभी राजकीय कार्यालय भी अब से खुलेंगे। और विस्तार से इस अनलॉक की जानकारी लेंगे। एवन संवाददाता लोकेश चोला हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लोकेश, हमें विस्तार से जानकारी दें कि इस अनलॉक के तहत क्या कुछ रियायत और दी गई है जनता को। देखिए भारती, जिस तरह से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बढ़ी थी, उसके बाद में जो धीरे धीरे लॉकडाउन लगाया गया था, उसमें धीरे धीरे राहत लगातार दी जा रही है। लॉकडाउन के अनलॉक प्रक्रिया में पहले जो अनलॉक की गाइडलाइन जारी हुई थी, उसमें कुछ राहत जनता को दी गई थी, जिसमें आवश्यक सेवाओं को खोला गया था। सुबह 6 से 11 बजे तक जो मार्केट खोलने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद में सेकंड जो गाइडलाइन, उसके अनुसार सुबह 6 से 4 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी गई थी। और जो तीसरी जो गाइडलाइन आई है, उसके अनुसार और लोगों को राहत दी गई। लेकिन इस तीसरी जो गाइडलाइन में मुख्य रूप से जो कोरोना वैक्सीन है, वैक्सीन को ही इस लोग जो अनलॉक की जो चाबी है वो माना गया है। क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया था, उसमें उस दौरान वैक्सीनेशन की उपलब्धता कम थी और कम लोगों को वैक्सीन लगी थी। लेकिन एक बार फिर से जो वैक्सीन लगाने की जो रफ्तार है, उसमें तेजी आई और सरकार की ओर से निर्देशों के बाद में ही जिस तरह से जो 18 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन अधिक लगाई जा रही है और तमाम जो गतिविधियां शुरू हुई है, उसी के अनुसार जो अनलॉक की प्रक्रिया में जो गाइडलाइन में कहा गया है कि जो बाजारों को अधिक खोल रहे हैं, जहां पर अधिक कार्मिक है, वहां पर जो सरकारी दफ्तर है, जहां पर 60% से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, वहां पर पर्याप्त मात्रा में यार फुल जो पूरा स्टाफ है वो बुलाया जा सकता है, ऐसी जो गाइडलाइन में अनुमति दी गई है। साथ साथ इस अनलॉक की तीसरी प्रक्रिया में ही जो मंदिरों को खोलने का निर्णय लिया है, उससे पहले हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जो बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई। हालांकि अभी समय 10 बजे नहीं है, 10 बजे बाद ही बाजार खुलते हैं, लेकिन जो चहल पहल है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें मॉल्स को भी खोलने की अनुमति दी गई है। साथ साथ जो सरकार जो तीसरी गाइडलाइन में कहा गया है कि जो बाजारों में सुबह 6 से 4 बजे तक वो खोल सकते हैं, साथ साथ जो 4 बजे से 7 बजे तक की अनुमति उन लोगों में दी गई है जहां पर 60% से अधिक कर्मचारी है वो वैक्सीन लगा चुके हैं, और इसी वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर, वैक्सीन लगाने के आधार पर ही जो सरकारी दफ्तर है उनको भी पूरी तरह से जो खोलने की अनुमति सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति है वो दे दी गई है। इसी बीच में जो मंदिर तकरीबन 2.5 महीने से जो श्रद्धालु और जो भक्त जो प्रदेश के वो मंदिरों में जाने के लिए आतुर थे, उनके लिए भी राहत की खबर है क्योंकि मंदिरों को भी खोल दिया गया है। और इस अनलॉक की प्रक्रिया में मंदिरों को लेकर भी विशेष गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें भी कहा गया कि कोरोना वैक्सीन के डोज लगा चुके जो श्रद्धालु है या भक्त है वही मंदिरों में जा सकते हैं। साथ साथ जो फूल माला, घंटी बजाने की और इस तरह की जो अभी ले जाने की अनुमति नहीं है, प्रसाद ले जाने की अनुमति नहीं है। कोरोना प्रोटोकॉल जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग करना बेहद आवश्यक माना गया है, और उसी के जो पालना के बाद में ही लोगों को अंदर ले जाने की अनुमति वो दी जा रही है। इसी के साथ में भारतीय बात करें तो जो जिस बाजारों में जो छूट दी गई है, साथ साथ शादी समारोह को लेकर विशेष छूट दी गई, जिसमें ये कहा गया है कि 40 लोगों की उपस्थिति के बीच में जो शादी समारोह है वो आयोजित हो सकते हैं। जो कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के साथ साथ में जो होटल्स या फिर बात करें तो जो मैरिज गार्डन है, वहाँ पर भी शादी करने की अनुमति वो दी गई है। बैंड बाजे वालों को भी यहाँ पर इसी अनलॉक की प्रक्रिया में उनको तीसरी गाइडलाइन के दौरान उनको अनुमति दी गई है कि कोरोना प्रोटोकॉल के साथ में वो लगातार अब शादी कर सकते हैं। इसी के साथ में सरकार की ओर से जो निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो कोरोना प्रोटोकॉल के साथ साथ जो पार्क और जो
अन्य जो चीजें थी वहां पर भी खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें पार्क को लेकर अनुमति यहाँ पर दी गई कि सुबह जो 5 से 8 बजे तक सभी लोगों के लिए खोला गया है, साथ साथ शाम को भी जो खोलने की अनुमति दी, जिसमें कहा गया है कि जो कोरोना वैक्सीन की डोज लगा चुके हैं उन लोगों को जाने के पार्क और जो अन्य स्थानों पर जाने की अनुमति है वो दी जाएगी। इसी के साथ में जो सरकारी दफ्तर या बात करें तो जो निजी दफ्तर जिसमें अगर 25 लोगों का स्टाफ है या 25 से कम है तो वहाँ पर 100% स्टाफ आने वालों को अनुमति दी गई है। साथ ही साथ जो 25 से अधिक है वहाँ पर 60% के करीब जो स्टाफ वो आ सकता है, लेकिन अधिकांश जो पूरी जो संख्या में स्टाफ तभी बुला सकते हैं जब 60% से अधिक के स्टाफ को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। साथ साथ अभी भी जो शिक्षण संस्थान को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, साथ साथ जो कोरोना प्रोटोकॉल दिया गया है उसके अनुसार जो जो सिनेमा हॉल है साथ साथ जो वाटर पार्क है उनको अभी अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर है उसका खतरा लगातार बरकरार है और उसको लेकर भी लगातार सरकार की ओर से तैयारी की गई है, क्योंकि सरकार ने पहले से ही कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल के सुनिश्चित के साथ जो वैक्सीन लगाना बेहद जरूरी है और उसी को लेकर लगातार अभियान को भी आगे बढ़ाने का काम है सरकार की ओर से किया जा रहा है। भारतीय यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात ये देखनी होगी, क्योंकि लगातार अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, इस दौरान बाजारों में भी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि कोरोना के केस कम होते जा रहे हैं लेकिन जो संभावित खतरा है वो अभी भी सबके सामने नजर आ रहा है, क्योंकि पहली लहर कोरोना की आई थी उस दौरान अभी बड़ी संख्या में जो कोरोना के केस है वो आए थे, उसके बाद में कोरोना की केस लगातार कम हुए और बाजारों की तो तमाम गतिविधियां शुरू की गई, इसी तरह बाजारों में भीड़ है वो देखी गई। उसके बाद में मार्च के मध्य बाद में कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे, उस दौरान तमाम तरह की छूट लगातार थी और जो शादी का सीजन है वो भी दौर शुरू हुआ था, लेकिन एक बार फिर से जो अब जो जून के अंतिम समय और जुलाई के शुरुआती सप्ताह के अंदर दौरान काफी संख्या में शादियां हैं, इस दौरान भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। साथ साथ जो बाजारों में जो भीड़ देखी जा रही है उसको लेकर भी सरकार की ओर से यही निर्देश है कि अधिक से अधिक लोगों से जो सैंपलिंग करें, क्योंकि जिस तरह से कोरोना जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो भी केस राजस्थान में देखे गए हैं उसको लेकर भी अब सतर्कता राजस्थान में बढ़ती जा रही है, इसको लेकर सरकार की ओर से भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है ताकि लोगों को अधिक से अधिक कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हो और कोरोना संक्रमण होने से बचाया जा सके। साथ साथ जो अब मंदिरों को लेकर जो निर्देश दिए हैं जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन वहाँ पे जरूरी है, साथ साथ जो वैक्सीन लगा चुके वो श्रद्धालु है या भक्त है वही मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं, इस तरह की जो गाइडलाइन दी गई, लेकिन वहाँ पर भी अभी भी चेकिंग पॉइंट है वो वहाँ पर नहीं बनाया गया है कि वैक्सीन जिनको लगा जा चुकी है वही अंदर जाए, लेकिन इस तरह का जो गाइडलाइन में जो दिए गए दिशा निर्देश है उनका पालन करना बेहद जरूरी है। इसको लेकर जो कई मंदिर कमेटी है वो उन्होंने इसको अमल में लाया है, इसको लेकर भी कुछ मंदिर अभी तक खुले नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं वो नहीं हो सुनिश्चित नहीं हो पाई है, लेकिन जहाँ पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो चुकी है जिसमें बात करें तो राजधानी जयपुर का जो आराध्य देव है गोविंद देव जी मंदिर वो पूरी तरह से खुल चुका है भक्तों के लिए और सुबह जो 7:45 से वहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए जो जो झांकी होती है वहाँ पर जाने की अनुमति दी गई। साथ साथ जो मोती डोंगरी गणेश मंदिर है जहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुँचते हैं वहाँ पर भी आज जो भीड़ है वो देखी गई है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन वहाँ पर सुनिश्चित किया गया, प्रसाद और जो धूप माला वगैरह जो ले जाने की जो अनुमति है अभी नहीं दी गई, लेकिन इसको लेकर भी जल्दी सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी होगी और नई गाइडलाइन में और कुछ जो राहतें वो दी जा सकती है, 1 जुलाई से आम जनता को कुछ राहतें और मिल सकती है। जी बात जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लोकेश ओला हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से हमें बताया कि क्या क्या रियायतें और दी गई हैं। सरकार लगातार जनता की सहूलियत के लिए रियायत दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को इसका गलत फायदा नहीं उठाना है, इसे एक तरीके से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरीके से ही सारी रियायतों का फायदा उठाना चाहिए, ये बेहद जरूरी है क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। वैक्सीन लगा के एक तरीके से हमारे पास कवच तो है, लेकिन आने वाले समय में जो खतरा है उसे देखते हुए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बेहद जरूरी है।